हेलो एवरीवन स्वागत है आपका इरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम आर ओ का पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी ट्वेंटी थर्ड अप्रैल 2022 को हुआ है ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को इसके आंसर अभी कमीशन के द्वारा नहीं दिए गए हैं जिसको संस्था के द्वारा सॉल्व किया गया है अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं उसका समाधान किया जाएगा पहला प्रश्न जो हमारे पास है वह है भारत सरकार के कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो टू जीरो टू आई है, उसमें विश्व में, आम और पपीते और आम और पपीते का भारत फलों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो जैसा जाना जाता है इसके दोनों ऑप्शन सही थे कि बी और सी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं बाकी सभी वसा में होते हैं तो इसके दोनों ही आंसर सही है निम्नलिखित यदि क्रमशः मेट सेट टेट को क्रमशः फिफ्टी सिक्स सेवेंटी सिक्स और एट्टी कूट में लिखा जाए तो पेट का कूट क्या होगा तो इसको सॉल्व करने पर आंसर सिक्सटी फोर होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है तो सिडबी का मुख्यालय जैसा हम जानते हैं कि लखनऊ में है लखनऊ में ये भी याद कर लें कि सिडबी की जो स्थापना हुई थी सेकेंड ऑफ अप्रैल 1990 को हुई थी यानी 1990 में सीडबी की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है दो हजार का प्रथम दिन बुधवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा क्योंकि बीस लीप ईयर में आ रहा है इसलिए इक्कीस का अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा एक जनवरी बाईस एक जनवरी बाईस से एक जनवरी सत्ताईस के बीच कितने ट्वेंटी नाइन तारीख पड़ेगी तो काउंट करने पर फिफ्टी सिक्स आंसर हो जाता है राष्ट्रीय अब यहाँ पर संस्थान और उसकी अवस्थिति को मैच कराने का कर दिया है और कहा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो राष्ट्रीय जैविक खेती खेती केंद्र हमारा गाजियाबाद में है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है लेकिन हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है वह गोरखपुर में न होकर वह बनारस में है बनारस में होने के कारण जो हमारा आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है सिंगल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित घनत्व को मापने में होता है तो सिंगल मैन जो स्केल है वह धुआं के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये क्वेश्चन हमने टू जीरो टू वन का जब पेपर सॉल्व कर रहे थे पीसीएस का तो उसमें भी आया हुआ था नाइन देखते हैं कि हमें हमें बुक दी गई है और बुक से संबंधित जो है उसके लेखक को मैच कराना है लेखक को मैच कराने की लिस्टिंग हमारे पास दी हुई है तो संबंधित है।, तो है राम पंचाध्याय ये लिखी गई है नंददास के द्वारा नंददास ने इसे लिखा हुआ उसके बाद चैतन्य भगवान की बात करें तो हमारा जो सेकेंड है वह वृंदावन दास से संबंधित चैतन्य मंगल की बात की जाए तो वह जयनंदा से संबंधित है भक्ति रत्नाकर की बात की जाए तो वह नरहरि चक्रवर्ती से है तो हमारा आंसर सी हो जाता है निम्नलिखित को मैच कराना है। इसमें हमें विटामिन और उसमें प्रथम सूची में कुछ दिए हैं और उससे संबंधित दूसरी लिस्ट को मैच कराना है आइए देखते हैं जो विटामिन है विटामिन में कैरोटीन होता है एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन होता है हारमोन्स मा प्रोजेस्ट प्रोजेस्टेरोन होता है और प्रोटीन कैराटिन होता है इसलिए हमारा आंसर डी हो जाता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित अगर नहीं है देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से संबंधित लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो यह जिप्सम से संबंधित हो जाता है यहाँ कैल्सियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए जिस प्रकार पाठ संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार से चाप किससे संबंधित है तो परिधि से निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता तो जो सागवान होता है सागवान भूमध्य भु, सागरी में नहीं पाया जाता है बल्कि यह उष्ण कटिबंधी पतझड़ वाले वन में बहुतायत से पाए जाते हैं कहाँ भारत में ठीक है और भारत उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ये वन गर्मी में, गर्मी में में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इसलिए इन्हें पतझड़ वाले और मानसून वन भी कहते हैं ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं इन वनों में साल और सागवान चूंकि यहाँ पर भूमध्य सागरी पूछा मैं नहीं पता लेकिन सागवान पूछा जाए तो यह उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में आता है इसके साथ सीसम भी इसी में सीसम चंदन आम और भी बहुत सारे हैं लिस्ट आप देख सकते हैं और भूमध्य सागरी में कैसी वनस्पति पाई जाती है यह भी देख लेंगे और इससे संबंधित जो वनस्पतियां हैं वो भी दी हुई है कि ओक चेस्टनट और चेस्टनट उसके अलावा चीड़ भी इसी में शामिल होता है तो कुछ एक भूमध्य सागरी वनस्पतियों को यहाँ दिया गया है और दिसंबर निम्न दो टू जीरो टू वन में निम्नलिखित में से किसी टाइम पत्रिका द्वारा एथलेटिक्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया था तो सिमोन बायस को सिमोन बायस को एथलेटिक्स ऑफ द ईयर टू जीरो टू वन घोषित किया गया था सिमोन बायस की आ, इस सिमोन बायस की जो है ना वो मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए टोक्यो ओलंपिक में चार स्पर्धाओं में फाइनल में नाम वापस ले लिया था यह इसलिए इनका नाम वैसे भी प्रसिद्ध था और इन्हें एथलेटिक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है बाकी उसमें टाइम पत्रिका द्वारा और कौन से अवार्ड दिए गए हैं यह भी हम देख सकते हैं जैसे पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो एलन मास्क थे और उसके बाद हीरोइन ऑफ द ईयर की बात करें तो ओलिविया तो रोड्रिगो थी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो औषधि केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधे संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है तो जो हमारे औषधि सुगंधित पौधे के संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है यह बहुआमी बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है और इसमें औषधि और सुगंध पौधे के क्षेत्र में शोध और विचार प्रचार के कार्य भी किए जाते हैं इसके अलावा हाँ 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था कौन नहीं था तो हमने नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य के बारे में 2021 का जब पेपर सॉल्व कर रहे थे ये उसमें भी आया हुआ था वहाँ भी हमारा आंसर अंबिका चक्रवर्ती ही था तो हम देख लेते हैं कि इसे भगत सिंह ने स्थापना की थी 1926 में और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की अधिक सार्वजनिक सार्वजनिक संस्था थी और इसमें जो संस्थापक सदस्य भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद छब्बल दास यशपाल और जयपाल थे कैस्ट्रो निम्नलिखित में से क्या है तो कैलेस्ट्रॉल क्या है स्टेरॉयड है निम्नलिखित भारत में प्रथम जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी वह 2008 में आई थी जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया था और इसका निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संदर्भ में कथन को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संबंध में जो दो कथन दिए गए हैं उस कहते हैं कि यह कथन इसका आयोजन नवंबर ट्वेंटी वन में राजस्थान में हुआ था नहीं इसका आयोजन राजस्थान में नहीं हुआ था इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान में इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का ये जो आयोजन था ये फोर्टी नंबर का संस्करण था आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था सेकंड कथन हमारा सही हो जाता है नीचे हम देख सकते हैं कि हाँ चालीसवां संस्करण था और ये भारत में व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय इसमें शामिल किया गया था और लोकल फॉर वोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इंडोनेशिया के संदर्भ में हम देखेंगे इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है सत्य देखे पंद्रह तो हजार से अधिक द्वीप शामिल है इसमें एक सौ पचास से अधिक ज्वालामुखी ज्वालामुखी हैं, तो ये दोनों ही कथन इंडोनेशिया के बारे में सही हो जाते हैं निम्न अन, अन्य की मूर्ति के संदर्भ में कथन दिया गया है हमें देखना है कि ये कौन सा यह मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है बिल्कुल नटराज की जो मूर्ति होती है वो चार हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का ऐसा इसलिए है कि नटराज की जो मूर्ति है वह अर्धनारीश्वर का प्रतीक है इसलिए एक में पुरुष कुंडल है और एक में महिला कुंडल इसलिए हमारे जो दोनों कथन होंगे वो सही हो जाते हैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर पिक्चर भी नटराज की दी गई है इसे देख लें कि शिव के एक कान में नर और दूसरे में मादा अलंकरण है यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है इसे नर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है यह मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं निम्न दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कोहना का निर्माण किसने करवाया था तो किलाए कोहना का जो निर्माण था वह शेर सूरी के द्वारा करवाया गया था इंटरपोल के अध्यक्ष अभी नवंबर 2021 में चुने गए थे और उनका नाम था अहमद नसर अल रईस तो निम्नलिखित में से किस किस देश से संबंधित थे तो जो हमारे अहमद नसर अल रईस थे वह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से संबंधित थे यही यूएई से संबंधित थे यह पहला अवसर है जब मध्य पूर्व में कोई अधिकारी इंटरपोल का प्रमुख बना है पहला था मौका जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था तो ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन था वह हैदराबाद में किया गया था और हैदराबाद के भू-भौतिकी अनुसंधान परिषद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था निम्नलिखित में से मध्यपाषाण कालीन स्थलों में को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व लगाना है तो पश्चिम से पूर्व अगर हम आते हैं तो सबसे पहले पढ़ता है लेखनिया लेखनिया पड़ेगा उसके बाद जो है महदहा आता है फिर पैसरा और उसके बाद बीरभानपुर आता है इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो पौधे हमेशा नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं लेते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु तो भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कम भुगतान के लिए भारत सरकार ने उदय योजना शुरू की है किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है संवेक्षण संरक्षण के संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2023 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है तो मोटे अनाज वाली फसल का वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र सभा ने देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सभा ने भारत द्वारा प्रयोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और सत्तर से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थिति के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिलेट और स्नैक मुरुक्कू भी वितरण किए हैं भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है तो हम जानते हैं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है निम्नलिखित सुगमता हमें जो है सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये देखना है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन के आकलन के लिए आकलन का एक तरीका होता है क्या या भारत में एम एस एम ई हेतु व्यापार सुगमता का आकलन करता है यह दोनों ही कथन क्या होंगे सत्य होंगे कि सुगमता सूचकांक एम एस एम ई के लिए प्रबंधन के लिए आकलन करता है अच्छा प्रशांत महासागर में स्थित जो गैलापागोस द्वीप है उसके संदर्भ में सत्य कथन देखने हैं इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के गतिविधि के द्वारा हुई है बिल्कुल सही है और यह दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है सेकंड कथन तो सेकेंड कथन जो हमारा पेरू दिया है पेरू नहीं यह इक्वेडोर है यह पेरू का हिस्सा ना होकर यह इक्वेडोर का हिस्सा है इसीलिए हमारा सेकेंड कथन क्या हो जाता है गलत हो जाता है और हमारा आंसर केवल होगा अब बाघ अभ्यारण टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है तो बांधवगढ़ कान्हा और संजय दुबरी सारे हैं लेकिन अमन टाइगरगढ़ अभी बिजनौर की यूपी के बिजनौर में है कहाँ पर तो यूपी के बिजनौर में है इसलिए अमनगढ़ हमारा जो है एमपी से संबंधित ना होकर यूपी में है यूपी में तीन टाइगर रिजर्व में से अमनगढ़ एक है यहाँ अन्य दो जो है वो दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसमें बाघ हाथियों और अन्य जंगली जानवरों का विस्तार पूर्वक संरक्षण किया जाता है और सूची में को हमें मैच कराना है कि प्रथम सूची और द्वितीय में किससे संबंधित है तो आइए मिलान करते हैं कि अकबर अकबर का जो मैच होगा हमारा अकबर जो है वो मुजफ्फर खान मुजफ्फर खान से संबंधित है जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर संबंधित है शाहजहां तो शाहजहां सा खान से संबंधित है और औरंगजेब असद खान से संबंधित है इसलिए हमारा आंसर डी हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि विवाद हो सकता है कि दो और तीन यानी कि दादरी दादरी और सिंगरौली दोनों बिजली संयंत्र जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है हालांकि जो दादरी है वह गैस आधारित भी है और यह कोयला आधारित भी है इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह कोयला में नहीं है क्योंकि यह गैस और कोयला दोनों आधारित विद्युत संयंत्र है आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जितने भी विद्युत कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं उनके नाम दिए गए हैं जैसे उसमें जो उत्तर प्रदेश में है सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है दादरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और अगर देखें और ये जितने दिए गए यह हमारे कोयले आधारित है इसी के साथ हमारे सुविधा के लिए यहाँ पर गैस आधारित भी विद्युत स्टेशनों के नाम दिए गए हैं ये ब्यौरण जो है एन के द्वारा दिए गए हैं जैसे गैस आधारित हमारा उत्तर प्रदेश का उरैया है उरैया है इसलिए हमारे जो गैस आधारित उरैया हो जाता है और ताप आधारित दाँत भी, भी होता है निम्नलिखित में से दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में छोटे राज्यों की श्रेणी में अवर्षिष्ट प्रदर्शन किया है इसे हमने अपने करंट के वीडियो में भी किया है तो छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम राज्य हो जाता है और बड़े राज्यों के प्रदर्शन में देखें तो मामले में उत्तर प्रदेश असम बड़े राज्यों का भी प्रदर्शन देख लें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश असम और तेलंगाना शीर्ष रैंकिंग वाले तीन राज्य हो जाते हैं और छोटे में मिजोरम मेघालय होते हैं जो वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है अधिक जानकारी के लिए आप इससे संबंधित हमारा करंट अफेयर वीडियो भी देख सकते हैं भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो प्रदान किया था तो भारत को भूटान ने दिसंबर में प्रदान किया था सर्वोच्च नागरिक प्राइज उसके बाद जो है अठारह सो सत्रह में डेविड हेयर द्वारा जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वह कहा की गई थी तो वह कोलकाता में स्थापित किया गया था डॉपसन किसकी इकाई है तो हम जानते हो जोन सांद्रता की इकाई डॉपसन होती है और किस राज्य में भारत कौशल टू जीरो टू वन प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते हैं जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी दो में घोषित किया गया था तो उड़ीसा उड़ीसा इस साल छब्बीस राज्यों के शासित प्रदेशों में से इंडिया स्किल्स टू थाउजेंड टू वन प्रतियोगिता में फिफ्टी वन पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा उड़ीसा ने इसमें जो पदक लिए हैं वो टेन गोल्डन और अट्ठारह सिल्वर और नौ जो है ब्रॉन्ज लिए हुए हैं और चौदह पदक इसने टोटल जीते हैं तीस पदकों के साथ महाराष्ट्र का सेकंड स्थान है और पदकों के साथ महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है जबकि केरल का पच्चीस पच्चीस पदकों के साथ थर्ड स्थान है और उड़ीसा उड़ीसा ने तो, उड़ीसा ने यहाँ पर इक्यावन पदक टोटल जीते हैं। और वाणिज्य संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है तो यह व्यवसाय के क्षेत्र में जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है और यह उपभोक्ताओं तक उत्पादकों के विवरण के कारण संबंधित है तो इसका जो आंसर केवल दो सही है प्रथम कथन हमारा गलत हो जाता है यूरोप की राइन नदी के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही है तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण मार्ग है फिर रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है हाँ रॉटरडम का रॉटरडम जो है वो राइन नदी के तट पर स्थित है इसलिए हमारा कथन दो सही हो जाता है कथन वन राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और उत्तर की दिशा में प्रभावित प्रभावित होते हुए वह उत्तरी सागर में अपना जल गिरा देती है और राइन नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पर्वत के बीच प्रवाहित होती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हो जाते हैं दोनों ही ब्लॉक पर्वत के उदाहरण होते हैं इसमें राइन नदी से संबंधित और भी तथ्य दिए गए हैं जिसे एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं जनवरी बाईस में आयोजित भारत राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था नहीं बीसवा नहीं था यह ट्वेंटी फाइव संस्करण था इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया हाँ राष्ट्रीय इसका पुदुचेरी में किया गया तो बारह से तेरह जनवरी बाईस को 25वां संस्करण मनाया गया और दो हजार बाईस में पुदुचेरी में आयोजित हुआ था इसका जो थीम था वह था सक्षम युवा और सशक्त युवा सक्षम युवा और सशक्त युवा इसका आयोजन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और पुदुचेरी सरकार ने संयुक्त रूप से किया था नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि अलास्का के संदर्भ में देखते हैं तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य अलास्का तो है लेकिन ये तेल उत्पादक राज्य नहीं इसलिए हमारा फर्स्ट कथन क्या होता है गलत होता है यह सिक्सटी सेवन में रूस से खरीदा गया था बिल्कुल सेकंड कथन हमारा सही हो जाता है और सोची सोची फास्ट की सिटी सेकंड में सही सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए को सही चयन कीजिए तो न्यूनतम आयु दी गई है और हमारे पदों के नाम दिए गए हैं पोस्ट के तो आइए देखते हैं कौन किससे संबंधित है तो हमारी जो राज्य विधानसभा की सदस्यता होती है राज्य विधानसभा वह ट्वेंटी वन अगर ट्वेंटी वन देखा जाए तो ट्वेंटी वन आयु हमारी पंचायती राज से संबंधित है और पच्चीस वर्ष अगर आयु देखी जाए तो राज्य विधानसभा से संबंधित है तीस वर्ष की आयु जा, देखी जाए तो हमारा राज्य विधान परिषद सदस्यों से संबंधित है और 35 वर्ष की आयु हमारा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है इसका आंसर वन हो जाएगा तीनों गोल में सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिए, कौन से लिया था तो यहाँ पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमे सम्मेलन में भाग लिया था खान मंत्रालय की जो रिपोर्ट है खान मंत्रालय की टू जीरो टू वन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो राज्य बॉक्साइड के उत्पादन के लिए प्रमुख है तो बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा और गुजरात में होता है इसलिए उड़ीसा और गुजरात हमारा आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है तो कुरिंगा जो हमारा है मैंग्रोव क्षेत्र वो गोदावरी की डेल्टा पर स्थित है जनवरी 22 में भारत का तीसरा राष्ट्रीय जल प्राइस निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसमें सही उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में विजेता है हमने इसको पहले भी देखा कि हमारा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश हमारा सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में विजेता रहा है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है और सर्वश्रेष्ठ जिला जो उत्तर क्षेत्र का है वह मुजफ्फरनगर है और दक्षिण क्षेत्र का तिरुवंतपुरम हो जाता है पूर्वी में हमारा बिहार का चंपारण और गोंडा झारखंड हो जाता है इसकी और सूचना डिटेल में दी गई है आप इसे और करेंट अफेयर की वीडियो भी देख सकते हैं अब निम्न इस क्वेश्चन के सॉल्व को देखा जाए तो इसका आंसर चार हजार चार सौ इक्यावन हो जाता है उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण जो परियोजना थी वो पर आयोजित की गई थी मतलब किसके द्वारा उसे आयोजित किया गया तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया जो कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना है वो तीस सितंबर उन्नीस में शुरू की गई थी कब सितंबर अट्ठानबे में इसकी शुरुआत की गई थी विविध कृषि सहायता परियोजना पर अगर एक नजर डाला जाए तो विश्व बैंक द्वारा जो दी जाती है परियोजना को प्रारंभ किया गया कब अट्ठानवे में और इसका जो क्लोजर डेट था वो 2004 में ये भी याद रख लेना है कि यह जो हमारी विविधीकरण सहायता परियोजना है वो 2004 में खत्म हो गया था और इसकी जो मुख्य उपलब्धि थी वह थी कि 169 परसेंट से पढ़कर दो सौ तीन परसेंट हो गई थी क्या फसल गहनता और फसल की उत्पादकता में 10 परसेंट की वृद्धि हुई थी और जैविक खाद का उपयोग करने वाले किसानों का प्रतिशत 13 परसेंट से बढ़कर 44 परसेंट हो गया था परियोजना के माध्यम से राज्य में पहली बार एटीएम मॉडल का प्रयोग किया गया था ये हमारी कृषि विविध विविध कृषि सहायता परियोजना के संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको जिसको एग्जाम की दृष्टि से हम देख सकते हैं उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक स्थान पर होगा इसका आंसर नाइन्टी फोर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देवनी गाय है बकरी बरबरी होती है भदावरी भैंस होती है गिर के बारे में बहुत सूचना नहीं मिली लेकिन यह भेड़ की प्रजाति नहीं होती इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा आपको यहाँ पर भारत में घरेलू पशुओं की जो नस्लें हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है जिसे आप एग्जाम के लिए देख सकते हैं जैसा कि हाईलाइट भी किया गया है कि देवनी हमारी गाय की नस्ल है हमारी बकरी की नस्ल है उसके अलावा हम देख सकते हैं कि घोड़े की भी नस्ल दी गई है और भैंस की भदावरी की भी लिस्ट दी गई है और मुर्गी और सुअर सभी की जो प्रजातियां होती हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी गई है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण टू जीरो टू वन में एक लाख से अधिक जनसंख्या में शीर्ष तीन शीर्ष ती, तीन सबसे अच्छे शहरों में शामिल नहीं है तो सबसे अच्छे शहरों में शामिल नहीं है तो तिरुपति शामिल नहीं है ये हमने करंट अफेयर की सीरीज में भी देखा है जिसे आप देख सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए क्या हमारे पास जो घटनाएं हैं वो नाबार्ड है स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिकेज कार्यक्रम है किसान क्रेडिट कार्ड है और हमारे पास क्षेत्रीय बैंक है तो इनको अगर हम तो नाबार्ड की जो हमारी स्थापना थी नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी 1982 में नाबार्ड हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम जानते हैं कि यह 1998 में हुआ था और जो हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रूरल डेवलपमेंट बैंक की बात है वह 1975 में स्थापित हुआ था इसलिए जो हमारा सीक्वेंस होगा फोर वन टू थ्री हो जाएगा पार्वती अर्गा राम संस्था के संदर्भ में कथन कौन से सही है यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है यह एक पच्ची बिहार है ये दोनों ही कथन सही हैं। सूची को मिलाना है स्मारक है और इसके निर्माता है लाते हैं जो अटाला देवी का मंदिर है अटाला देवी का वह मस्जिद इब्राहिम सालकी के द्वारा बनाया गया था और हमारा छोट अगर देखे जाए छोटा सोना जो है वह मस्जिद नुसर शाह के द्वारा बनाया गया था और कदम रसूल जो है वह पंडुआ वली मोहम्मद से संबंधित है अदीना मस्जिद की बात की जाए तो अदनी अदीना मस्जिद जो हमारा है पंडुआ वली से संबंधित है और जो हमारा कदम कदम रसूल है वो सिकंदर शाह से तो इसका आंसर जो हो जाता है हमारा सी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है तो साइको साइका तीन जो है हमारा साइकोटाइन वह हमारा जो है प्लांट हार्मोन्स हो जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधीनतापूर्व भारत का राष्ट्रवाद कभी नहीं था तो भारत का राष्ट्रवाद कभी नहीं था तो शिव कुमार बटावली निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है तो स्वीडन और नॉर्वे जो है वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है हम मैप में देख सकते हैं कि बाल्टिक सागर के करीब कौन से देश लोकेट है निम्न स्वच्छता सर्वेक्षण टू जीरो टू वन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो टू जीरो टू वन आया है उसमें छठा स्थान यूपी को दिया गया है यूपी को सिक्स रैंक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था अफ्रीका के विक्टोरिया झील के बारे में कथन दिया है कि यह झील चार देशों से घिरी हुई है नहीं यह चार देशों से घिरी नहीं है यह तीन देशों से घिरी है जिसे हम अभी मैप में देखेंगे यह प्राकृतिक भ्रंश घाटी में स्थित है नहीं अफ्रीका की यह भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है ये हम मैप के द्वारा भी इसे देख लेते हैं कि विक्टोरिया झील जो है वह अफ्रीकी महाद्वीप का एकमात्र मीठे पानी की झील है जो महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है तो भ्रंश घाटी में जो झीले स्थित है की, उसके नाम भी आपको हैं। जैसे एडवर्ड एल्बर्ट नहासा मवेरी तुझाना ताना रुकुदा, रुकवा और अशला अशाल झील जो है वह हमारी भ्रंश में स्थित है हम इसे मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं देखिए युगांडा केन्या और तंजानिया तीन देशों से घिरा हुआ है और यहाँ पर देखिए महान जो भ्रंश घाटी बनी है विक्टोरिया उसका हिस्सा नहीं है विक्टोरिया अलग है इसलिए हमारा जो कथन होंगे वो गलत हो जाएंगे अब हमारी जो सूची वंश है यहाँ पर हमारे चौबीस तीर्थांकरों के नाम दिए हैं और चौबीस तीर्थांकर जैन से संबंधित हैं इनकी जो सूची है हमें मैच करानी है तो आइए देखते हैं कि जो श्रावस्ती है उसका संबंध किससे है तो संभव ना से है सुविधा नाथ से संबंधित है और प्रभूषा का की बात, तो बात करें तो पदम प्रभु से संबंधित है इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है आपको एग्जाम के लिए चौबीस तीर्थांकरों के नाम भी दे दिए गए हैं इनसे संबंधित प्रतीक और स्थलों के नाम है जिन्हें आप एग्जाम के लिए लर्न कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा देश जनवरी 22 में प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2020 का 22 का भाग नहीं था तो इसमें जो शामिल देश थे वह थे सी ड्रैगन 22 जो अभ्यास हुआ था 5 जनवरी 22 को हुआ था इसमें यूएसए भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा कनाडा जापान दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ था और इसमें हम देख रहे हैं कि फिलीपींस शामिल नहीं था निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है तो आलू जो है हम देख लेते हैं आलू जो है उसके है उसके अंतर्गत और कृषि और सहयोग विभाग उसके मूल्य स्थिरीकरण की निधि की पूंजी भी अलॉट करता है यह कोष केंद्र राज्य सरकार को ब्याज मुक्त ऋण देने में सक्षम बनाता है जिससे वे स्थिर वस्तुओं अस्थिर वस्तुओं जैसे प्याज आलू और दालों के मूल्यों पर नियंत्रण कर सके 2016 में उपभोक्ता माल्यों के विभाग को इसे स्थानांतरित कर दिया गया था फिर भारतीय संविधान के 9 ए में निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तो नाइन ए में किसे दिया गया था तो हम जानते हैं नाइन ए जो है हमारा शहरी क्षेत्रों से संबंधित था भारत का संविधान भाग नाइन पंचायतों से और नाइन ए जो है वो हमारा नगर पालिका से संबंधित था पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है तो पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू जीरो जीरो वन में के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का थर्टी थ्री परसेंट है मतलब कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें थर्टी थ्री परसेंट वन पाए जाते है? तो हमने इसे फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी डिस्कस किया गया कि सत्रह ऐसे राज्य हैं जिसमें तैंतीस परसेंट पाए जाते हैं तैंतीस परसेंट इनमें पाए जाते हैं किताब के संदर्भ में हमारा दिया गया है कि इसमें निम्नलिखित सूचियाँ दी गई हैं इन्हें सही तार्किक व्यवस्था के क्रम में लगाना है तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा और में राजा राममोहन की प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था तो फारसी भाषा में इसे लिखा गया था उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है तो महिला एससी और एसटी से संबंधित है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर रामसर राम आद्रभूमि स्थल भारत के किस राज्य किस राज्य में स्थित है ओकेरा तो इसका जो आंसर होगा वह होगा वा कैली मेरे वन्य जीव और पच्ची अभ्यारण यह भारत भूमि पर स्थित होगा भारत के रामसर साइट की लिस्ट भी दी गई है जिसे आप देख सकते हैं सैतालीस नाइनटीन नाइनटीन सेवेंटी फोर में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे की गई थी तो पांडिचेरी में की गई थी प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुदुचेरी में कब की गई थी 74 में और सेवेंटी फाइव में कृषि अनुसंधान सेवा और कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल की स्थापना की गई थी कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है तो सागरी पारिस्थितिकी तंत्र उपभाग नहीं है निम्नलिखित में से स्वच्छ सर्वेक्षण टू जीरो टू वन में उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है तो अलीगढ़ होगा आइए देखते हैं कि कचरा मुक्त की जो श्रेणी है उसमें ये देखिए स्टार रेटिंग फॉर फाइव गार्बेज फ्री सिटीज इसमें अलीगढ़ लखनऊ गाजियाबाद नोएडा और झांसी है चूंकि ऑप्शन में अलीगढ़ है तो अलीगढ़ ही शामिल होगा भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति के निम्न प्राप्त हैं तो भारत के संग भारत का संग और भारत के प्रदेश उप प्रदेश यानी डोमिनियन स्टेट विश्व के कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनके संपत्ति से संबंधित इन सभी के संदर्भ में संसद कानून बना सकता है उत्तर प्रदेश किसी समृद्धि आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में तो भारत सरकार का क्या कानूनी नाम है तो द यूनियन ऑफ इंडिया है किस शासक की, की उपलब्धियों का प्रस्तुत करता है तो कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थानों हेतु तो केंद्रीय बजट टू जीरो टू वन में विनिवेश का लक्ष्य क्या है इनमें से कोई नहीं है यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्य भारत का न्यायाधीश संभालता है निम्नलिखित को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो अम्बेर की राजकुमारी का विवाह और तुकारोई का युद्ध मालवा पर मुगल आक्रमण उड़ीसा की विजय अगर इनका क्रम लगाया जाए तो इसका आंसर डी हो जाता है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड में कौन सा शहर शीर्ष में रहा तो इसका आंसर इंदौर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम फसल सफल क्लोन बनाया गया था तो हम जानते हैं भेड़ जो है वो पहला सफल क्लोन था जनवरी 22 में किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो एस एस सोमनाथ को दसवें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और लड़कों की एक पंक्ति में इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो फोर्टीन होगा उत्तर प्रदेश किसी अनुसंधान परिषद ने लि, न, लिखित में से किस स्थान पर स्थित है तो उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है तो दिए गए में महानदी बेसिन घाटी सबसे बड़ी है कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है तो माल गुर्जरी निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है तो सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती हल्दी भूमि के तने का उदाहरण है जिसे राइजूम कहते हैं एक्सप्रेशन नल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति नीति आयोग ने कब शुरू किया था तो जनवरी 18 में शुरू किया था डेथ इन बनारस यह बुक किसने लिखी थी तो जॉनाथन पैरी ने इसको लिखा हुआ था विलुप्त संख्या इसमें जो आमंत्रित किया था तो दौलत खान ने किया था एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ से प्राप्त होता है तो कवको से प्राप्त होता है शेरशाह सूरी के संदर्भ में कथन दिया गया है कि शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था बिल्कुल हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखित नहीं होते दूसरा कथन गलत हो जाएगा और आंसर केवल वन हो जाता है निम्नलिखित में नाइनटीन ट्वेंटी नाइन के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे देखा जाए तो नाइनटीन में जो अध्यक्ष थे वो एम एन जोशी थे एम एन जोशी यहाँ पर एम एन राय है इसीलिए आंसर टिक नहीं किया गया कि एम एन जोशी इसके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है तो यहाँ पर जो भी विधि दी गई कृषि से तो मूंगफली की खूटी बनाना विधि सही सुमिलित नहीं है नहीं है व्यापार के संदर्भ निम्न कथन पर सही कथन देखें यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व तो करता है यह केवल मांग पक्ष से संबंधित होता नहीं है दोनों का करता है इसलिए आंसर ए हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद भारत द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है कौन सी अनुसूची में तीन विधा सूचियों का प्रावधान है यानी हमारी केंद्र सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची किस दी उल्लेखित है तो वह पार्ट से रिलेटेड है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है तो आर्टिकल वन जीरो एट में है जो साधारण विधेयक के लिए होता है धन के लिए नहीं कौन सा आहार मनुष्य के शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है लुप्त संख्या देखी जाए तो वह टेन होगा निम्नलिखित में से कौन से देश का मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है जो जार्डन और तुर्की वह मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में है तो ग्वादर बलुचिस्तान में स्थित है निम्नलिखित सूचियों का सही उत्तर चुनिए तो इसका जो सही सही क्रम होगा वह वन टू थ्री फोर हो जाएगा Two, three, भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है सही है वन्य जीव की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये दोनों ही कथन क्या है सही है सूची एक को दो से मिलाना है तो हम देखते हैं न्यू साउथ वेल्स जो है वो सिडनी से संबंधित है न्यू साउथ वेल उसका संबंध सिडनी से है किन्सलैंड की बात करें तो ब्रिस्बिन से संबंधित है विक्टोरिया की बात की जाए तो वह मेलबर्न से और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट अब बाल इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है और बालखस झील की बात की तो बालखस झील कजाकिस्तान में स्थित है कजाकिस्तान में स्थान और हमें उससे सुमेलित मेलों में दिया गया है तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है लेकिन देवा शरीफ का जो मेला है वह जैन जौनपुर में न लगकर देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाता है कौन सा जैव डीजल पौधा है तो हम जानते हैं जैट्रोफा जो होता है वह बायोडीजल पौधा होता है हिमालय की त्रिशूल शिखर के संबंध में कथन दिए हैं यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है बिल्कुल सही हो जाता है और यह सात हजार पाँच सौ अधिक है चोटी है उसकी ऊंची नहीं इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वह तीन हजार दो सौ चौरानवे फिट है इसी कारण हमारा सेकंड कथन गलत हो जाता है तो आंसर ए हो जाएगा निम्न घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए क्रोनोलॉजिकल में लगाते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट हाथी है प्रोजेक्ट हाथी वो 1992 का हो जाता है 92 का जैव विविधता 2002 का है वन्य जीव ये प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है वह सेवेंटी का है नाइनटीन का और हमारा प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर सेवेंटी थ्री का है नाइनटीन सेवेंटी थ्री का है इसलिए जो सीक्वेंस लगेगा वो हमारा थ्री फोर वन टू हो जाएगा और भी हमने हम यहाँ पर लिस्ट दी गई है जैसे गिर सिंह परियोजना सेवेंटी टू की है बाघ सेवेंटी थ्री की मगरमच्छ संरक्षण सेवेंटी फोर का है कछुआ संरक्षण हमारा सेवेंटी फाइव का है घड़ियाल प्रजनन परियोजना सेवेंटी फाइव की है गेंडा परियोजना एट्टी सेवन की है हाथी परियोजना नाइन्टी टू लाल पंडा संबंधित परियोजना नाइन्टी सिक्स की है और गिद्ध संरक्षण टू थाउजेंड सिक्स से है भारत सरकार के भारत सरकार का जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर राइट अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था तो फार्मर का ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट अधिनियम हमारा टू जीरो जीरो वन का है सूची को दूसरी सूची से मिलाना है तो हम हैं कि जो बीरबल साहनी थे वो जीवाश्म वनस्पतियों से संबंधित थे केसी मेहता का संबंध पादप रूप विज्ञान से था और पी महेश्वरी जो है पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान से संबंधित है स्वामीनाथन हरित क्रांति से इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाता है दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हुए थे तो दक्षिण एशिया से भारत नेपाल और मालदीव शामिल हुआ था गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस ज़िले से प्रवेश करती है तो बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है इसी के साथ हमारा 120 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है और संस्था में यू के लेटेस्ट सीरीज़ में शामिल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस करके जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद